सुप्रभात दोस्तों, आप देख रहे मेरे सारा अरेंजमेंट। ये बायोडिग्रेडेबल सीड ग्रो करने के लिए बना रही हूँ। इसे बनाने का तरीका क्या है, आप चाहें तो इस टाइप का पेपर ले सकते हैं, और ये जो बच्चों की ड्राइंग बुक होती है उसका भी ले सकते हो, और ये इस टाइप का भी ले सकते हो, और न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ वो नहीं ले सकते, न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। तो ये बनाने का स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ। ये छोटा सा ग्लास लिया और लेकर के इसे आप ऐसे करके फोल्ड कर दो, इसे इसमें रोल कर दो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे इस तरह से खूब अच्छे से टाइट करके रोल करना है ना। अब हम ऐसे कर लिया, इसके बाद में हम जो ये जॉइंट है, ये देख रहे हो आप, ये जो जॉइंट है यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से ऐसे कर फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, और उसे खूब अच्छे से ऐसे करके प्रेस करके दबा देंगे। और चाहो तो आप नीचे करके भी दबा सकते हो ऐसे करके। अब आप इसे निकाल दो, ये आपका बन गया है। अब आप इसमें इस तरह से मिट्टी भर के सीड लगा सकते हो। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, एक एक में हम दो दो सीड लगाएंगे, ठीक है। मैं इसमें नेस्टेशियम के सीड आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से एक सीड ये लगाया। अगर आपके पास बहुत सारे सीड है तो कोई बात नहीं, अगर कम है तो थोड़े लगाओ, अभी एक साथ सारे मतलब। अभी लगाने के बाद में थोड़ा सा, ये बड़े हैं तो हम इन्हें अंदर को दबा देंगे, और इनके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल देंगे, और इसके बाद में ये ऐसे पानी डाल देंगे इसमें, है ठीक है ना। अब ये पानी तभी डाले जाएगा दोबारा जब इसकी मिट्टी सूख जाए, ऐसे नहीं कि पानी भरते रहें और दो दिन के बाद में इसमें फंजीसाइड, क्योंकि इसमें मैंने बालू मिलाई है, कंपोस्ट मिलाई है, फंजीसाइड पाउडर मिलाया है ना। तो आप कोशिश करो इसमें क्या कहते हैं, चार दिन के बाद में इसमें फिर से जो फंजीसाइड का लिक्विड होता है वो इसमें डालो, तो ये अच्छे से हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, मतलब ये फंगस नहीं लगेगी इसके सीड्स में, है ना। मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे ये सीड्स, देखो ये निकल आए हैं, देखो बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गए हैं। इसे मैं बहुत कम पानी देती हूँ, क्योंकि ये वैसे ही मोश रहता है ये, और इसमें क्या कहते हैं, ये कंपोस्ट मिली है तो वो भी पानी को होल्ड करके रखती है, अगर पानी ज़्यादा लगा दूंगी तो ये मर जाएंगे, ये मेरे स्लोसिया हैं। और इसे मैंने फिर, ये थोड़े बड़े हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे, इसमें देखो फ्लावरिंग शुरू हो गई है, दिख रहा है आपको ये, फिर इसे मैंने इतने बड़े बॉक्स में ट्रांसप्लांट किया था, देखो आप दिख रहे हो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, इसमें अब मैं बड़े में, इससे बड़े में लगाऊंगी तो मैं ऐसे ही रख दूंगी। मैंने ये इसमें मिट्टी डाली थी ऐसे, और ये ऐसे ही रख दिया था, मतलब इसकी रूट को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, बस नीचे से ऐसे खोल दिया, यूं करके बताती हूँ, बस ये नीचे से ऐसे खोल दिया, और खोल करके इसे, और इसमें मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है, ऐसे खोल के लगा दो तो इसकी रूट्स नीचे चली जाएंगी और ये गल जाएगा कागज अच्छे से। तो आप समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे ही इसमें आप दो चार ऐसे बना के, मैंने काफ़ी बना के रखे हैं, आपको दिख रहे हैं, कुछ में मिट्टी भरने को है, कुछ मैंने भर दी है। अब मैं इनमें सीड्स लगाऊंगी सभी में, वीडियो ना लंबा हो जाए इसलिए मैं एक ही में बता रही हूँ आपको करके। और ये बनाने एक बार और बता देती हूँ, ऐसे करके ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे करके करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे रख लिया। अगर आप यहाँ से कर दोगे तो ये यहाँ से खुलने का डर रहेगा, है ना। तो आप यहाँ से करने के बजाय पहले यहाँ पे ऐसे फोल्ड करो, ये ऐसे करके फिर ऐसे करो, है,
और फिर ऐसे करके, अगर आपका फोल्ड पेपर ज़्यादा लंबा है तो इसके ऐसे करके ऐसे अंदर को डाल दो, ये अंदर को ऐसे, और फिर आप इधर की चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके खूब अच्छे से प्रेस कर दो ऐसे करके, इससे इसकी जो जो बाउंड्री है टाइप की वो बन जाएगी, अच्छे से हो जाएगा। और फिर ये देखो आपका बन गया। इसमें सीड ग्रो करने का मकसद यही है कि एक तो बायो डिग्रेडेबल है, ये उसमें डाल दोगे तो ऐसे ही अगर प्लांट्स को बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए आप ऐसे लगा दोगे तो ये डिस्टर्बेंस नहीं होगी रूट्स को, वो आराम से ग्रो होते रहेंगे। जैसे हम लोग निकालते हैं पौधे ऐसे खींच के निकाल देते हैं तो वो एकदम जो ट्रांसप्लांट शॉक होता है वो आ जाता है उनमें, है ना। तो हम अगर उन्हें ऐसे रूट से खींचेंगे नहीं और ऐसे ही पूरी ऐसे ही लगा देंगे, बस इसे खोलना पड़ेगा, यहाँ से जो आपने फोल्ड किया था बस इसे खोल के और फिर ऐसे ही मिट्टी के साथ रूट के साथ पूरा रूट बॉल के साथ में आप ऐसे लगा सकते हो। वैसे ऑप्शंस तो और भी हैं लगाने के, मैं लगा भी सकती हूँ, इनमें भी लगा दूँगी, इनमें भी लगा दूँगी, मगर मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा। इसमें ढेर सारे होल करके चारों तरफ से और मिट्टी भर के लगा दो, इसमें भी लगा सकते हो आप सीडलिंग, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इनमें भी ठीक है। मगर आप किसी पॉट वगैरह में गमले में किसी के साथ में प्लांट्स के साथ में लगा दोगे तो उसे आपको खींचना ही पड़ेगा। अब जब खींचोगे तो उसके रूट्स भी डिस्टर्ब होंगे, कुछ उसकी जड़ें हैं वो टूट भी जाएंगी गमले में, तो वो बेकार हो जाएगा, उनके सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस टाइप के प्लांट्स लगाने से सर्वाइव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते रहेंगे, उन्हें रूट को डिस्टर्ब भी नहीं होता है, वो आराम से ऐसे लगा दो और आराम से चल जाएंगे। मैं इनमें सभी में लगाऊंगी, कुछ तो मिट्टी लेकर आने हैं उनमें लगाऊंगी, मिट्टी भर के रखूंगी। अब इसमें मिट्टी क्या है आप पूछोगे, इसमें है ये, इसीलिए अभी पानी नहीं डाला मैंने आपको दिखाने के लिए, मैं आराम से बाद में ग्रो करके रहूँगी। इसमें कंपोस्ट है और ये रेत है, रेत वाली बालू मिट्टी जो होती है वो है, इतनी एकदम से भुरभुरी मिट्टी है जिससे प्लांट्स को प्रॉब्लम ना हो निकलने में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से तो होते हैं, वो निकलेंगे तो वो ग्रो भी नहीं हो पाएंगे अगर वैसी मिट्टी होगी, टाइट वाली मिट्टी होगी, तो इसलिए इसमें लगाना। कंपोस्ट इसलिए कि बाद में निकल तो आते हैं रेत में मगर फिर वो मर जाते हैं, तो कंपोस्ट इसीलिए लगाइए, डालिए इसमें। एक तो वाटर को भी होल्ड करेगी और कोकोपीट भी डाल सकते हो, पर मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, मैं तो ऐसी सिंपल ही बनाई है ये मिट्टी इनकी, क्योंकि हर एक के पास कोकोपीट नहीं होती है, मजबूरी होती है, तो वैसे भी लगा सकते हो जाते हैं अच्छे से ग्रो। देखो ये हो ही गए, ये देखो आप हैं, और काफ़ी रखे हुए हैं क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई सीडलिंग, तो हल्की धूप के लिए पेड़ों के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके बीच में रख रखा है, तो ये अच्छे से हल्की धूप भी नहीं मिल जाती है। अगर मैं इन्हें हल्की धूप नहीं लगाऊंगी तो ये लैगी लगी हो जाएंगे लंबे लंबे और फिर ये मर जाएंगे करके, तो इन्हें धूप भी हल्की लगनी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे एरिया में रखा है कि हल्की धूप भी लगे, बहुत तेज़ धूप भी ना लगे, नहीं तो ये मर जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से तो बेबी तो हैं ये। और अभी मुझे बहुत ढेर सारे सीड्स लगाना, तो ये ट्रे भी है, इसमें भी लगाऊंगी, ये जो ट्रे है इसमें भी लगाऊंगी। चलिए इसमें इससे भी एक आध में बना के बता दूँ आपको, इससे आपको पूरी रेयर है कि भाई ठीक से बनाया नहीं बताया नहीं, है ना। तो ये इसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही उठा के रूट बॉल के साथ ऐसे ही रख सकते हैं और सर्वाइव करने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं इसमें। और इसमें ये भी होता है नीचे से इसे मॉइस्चर भी मिलता है, अब इसकी कई लेयर हो जाएंगी ये ऐसे करके नीचे, इसमें मॉइस्चर भी रहता है तो ज़्यादा पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे करके ये जो होती नहीं ये फोल्ड कर दूँगी, जैसे दुकान वाले पहले पुड़िया नहीं बनाते थे उसी टाइप के, ये ऐसे ऐसे बना सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी लगा सकते हो, इनमें भी लगा सकते हो ऐसे पॉलीथीन में मिट्टी भर के। अगर आपकी दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह जो अब तो पॉलीबैग बंद हो गए हैं तो ऐसी में ही दवाइयाँ देने लगे हैं, तो इसमें इस टाइप में मिट्टी भर के इसी में भी सीड पॉट लगा सकते हो, या आप स्टोर करके रख लो। और इसमें भी एक और देखो आप ये ट्रिक, इसमें भी लगा सकते हो, ये बिकोर टर्मरिक का ये है,
बॉक्स था ये, मतलब दो पीस किए, एक के दो पीस कर लिए ये, और इनमें भी लगा सकते हो। इन्हें भी सीधे डायरेक्ट ऐसे ही लग, उसमें जैसे प्लांट्स जर्मिनेट हो जाए, सीड ग्रो हो जाए, तो उसके बाद में आप डायरेक्ट ऐसे ही पॉट में लगा सकते हो, है मतलब जीरो बजट। अब कहो कि मेरे पास सीडलिंग ट्रे नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये दो क्रीम के मैंने बना के बता रही हूँ मैं आपको, दो ये हैं और दो ये हैं, है ये चार हो गए, और फ्री के सीडलिंग ट्रे तैयार। तो इस बात की टेंशन मत लो कि सीडलिंग ट्रे नहीं है, मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप इस टाइप के बना लो, इस टाइप के बना लो, आपके बच्चों की पुरानी हो ड्राइंग, जो ड्राइंग बुक्स होती हैं उन्हें अपने लिए न्यूज़पेपर में भी बना लो। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।